उत्तर प्रदेश के बरेली में अशोका फार्म में लगी भीषण आग में 4 लोगों की मौत हो जाने के मामले में गुरुवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतकों और घायलों के परिजनों ने कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। सूचना पर फरीदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान काफी लंबा जाम लग गया, वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया लेकिन भीड़ आला अधिकारियों को बुलाने की मांग करती रही। इस मामले में थाना फरीदपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बाग निवासी अशोक गोयल की फरीदपुर के गांव मैगी नगला में अशोका पीयू फॉर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार शाम करीब 7:30 बजे तेज धमाके के बाद आग लग गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 150 कर्मचारी काम कर रहे थे। वहां रखी फॉर्म बारूद की तरह जलने लगी और उससे कई मीटर ऊंची लपटें निकल रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे आग पर काबू पाया गया। मजदूरों से सामान पूरा निकलवा लिया क्योंकि एक निजी फॉर्म की फैक्ट्री में कल रात्रि में आग लग गई थी, जिसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो है झुलस गए थे, जिनका एक निजी अस्पताल में फरीदपुर में ही इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में एक मृतक अरविंद मिश्रा के भाई श्री प्रमोद मिश्रा जी के द्वारा जो है थाना फरीदपुर पर एक संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कराया है। यह मुकदमा फैक्ट्री मालिक और मैनेजर आदि के विरुद्ध है, जो 304 IPC में पंजीकृत किया गया है। मृतक के सभी लोगों का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें संपादित कर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।